आई वुड गिव अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर. यू नो हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, डिस्क्लेमर के बिना बात ही नहीं होती है. एंड द डिस्क्लेमर इज कि दीज व्यूज आर माई व्यूज नॉट नेसेसरी द राइट व्यूज. राइट, सो यू कैन ऑल कैरी योर ओन व्यूज, बट वट माई व्यू इज कुड बी अ डिफरेंट. सो स्क्रीन पे आपको एक बल्ब दिख रहा है और नीचे लिख रहा है वट नेक्स्ट. सो द टॉपिक विच आई एम गिवन इज द वट नेक्स्ट. वट दिस बल्ब डिपिक्ट्स, जब ये बल्ब आया तो इससे पहले हम लोग मोमबत्ती, लालटेन, इन सब में पढ़ाई करते थे. जब रात होती थी तो हम कुछ देख नहीं पाते थे. तो किसने इस बल्ब का आविष्कार किया था, कोई बताएगा मुझे क्या नाम था? थॉमस एडिसन. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. थॉमस एडिसन ने पूरा विश्व को बदल दिया और उसके बाद हम लोग गतिशील हुए और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में हम आगे बढ़े. एक बहुत बढ़िया कोट मुझे मिला जब ये हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, विच सेज व्हेन यू आर फिनिश्ड चेंजिंग यू आर फिनिश्ड. मेरे साथ बोलेंगे, व्हेन यू आर फिनिश्ड चेंजिंग यू आर फिनिश्ड. यू आर फिनिश्ड. अगर आप देखें, मैं अभी कुछ इतिहास के पन्ने निकाल के लाता हूं और फिर आपको ये बात करते हैं कि क्या ये बात सही है और क्या ये बात सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू होती है, हम लोगों के ऊपर भी लागू होती है एज अ बिजनेस हु आर इन्वॉल्व इन डीलिंग विद फाइनेंस, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है या किसी के भी पैसे का देख रखाव है. और हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हमारे पास कोई पैसा देता है निवेश के लिए, वो एक विश्वास के साथ देता है, वो अपने पैसे के साथ साथ अपना विश्वास भी हमें देता है. इज दैट राइट? कितने लोगों को इस कंपनी के बारे में मालूम है? तीन लोग, चार लोग, चार पांच लोग? कौन सी कंपनी है ये? जनरल इलेक्ट्रिक. जनरल इलेक्ट्रिक में और बल्ब में क्या समानता है? जी, फैंटास्टिक. बोथ आर फाउंडेड बाय थॉमस एडिसन. अ कंपनी विच वॉज अ ग्लोबल नेम. हर देश में इसका सिक्का चलता था. न जाने कितना व्यापार करती थी. बिजली से शुरू हुई थी, फॉसिल फ्यूल में थी, उसके बाद कैपिटल बिजनेस में भी आई. आपको मालूम है जी कैपिटल, राइट? 100 साल तक इसने राज किया डो जॉन्स के ऊपर. वी ऑल नो दैट. मालूम है 1849 में ये कंपनी चालू हुई थी. 1849 से 100 साल तक ये डो जॉन्स में लिस्टेड थी. लेकिन जब लेहमैन क्राइसिस आया तो जो जी कैपिटल थी, उस जी कैपिटल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ. इस दौरान उसने कभी भी अपने आप को बदलने की नहीं सोची. वो फॉसिल फ्यूल में लगी रही लेकिन बाकी कंपनीज ग्रीन एनर्जी की बात कर रही थी और बाकी जगह अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही थी. जब वो समय आया तो इसको सरकार से पैसा लेना पड़ा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए. इसकी वो स्थिति थी. ये वो जी है जो अल्टीमेटली 2010 में डो जोन से बाहर कर दी गई. क्या इस कंपनी के पास टैलेंट की कमी थी? क्या इस कंपनी के पास पैसे की कमी थी? पूरे विश्व के अंदर अगर आप ग्लोबल लीडर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो ग्लोबल लीडर्स, चाहे वो मैकेंजी में हैं, चाहे वो डिलाइट में हैं, किसी भी बड़ी फर्म में हैं, उसकी पेडिग्री जी से होती थी. दैट इज द काइंड ऑफ ऑरा विच जी हैड. बट व्हाट हैपेंड एंड व्हाई इट हैज हैपेंड? बिकॉज दे डिडंट चेंज. व्हाट हैपेंड? Been taken over by new age companies. Next, हम सब जानते हैं Google, Apple, Microsoft. They became leaders. Microsoft के जीवन काल में भी एक ऐसा समय आया जब उसका सॉफ्टवेयर का डाउनग्रेड होना शुरू हुआ, नई टेक्नोलॉजीज आनी शुरू हुई माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में.
एंड दैट्स व्हेन सत्य नडेला टुक ओवर एंड ही बॉट एज्योर, ही बॉट लिंक्डइन, ही वेंट इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग, ही चेंज द गेम एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टिल देयर इन द मार्केट. देन कम व्हाट, एप्पल. व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एप्पल? कितने लोग यहां इस रूम में आईफोन यूज करते हैं? हाउ इजी इट इज टू माइग्रेट फ्रॉम फोन 15 टू 14 टू 15 टू 16? इज इट इजी? व्हेनेवर यू चेंज अ फोन इट्स स्मूथलेस, राइट? आपने एप्पल वॉच खरीदा, कितना टाइम लगता है सिंक करने में एप्पल के फोन के साथ में? हार्डली फ्यू मिनट्स. अगर आपने मैक खरीदा और आपके पास फोन है, आपके पास वॉच है, कितना टाइम लगता है तीनों को आपस में बात करने में? अभी रिसेंटली वन ऑफ माई टीम मेंबर बॉट मैक. विंडोज से मैक में आने में उसको मात्र 2 घंटे लगे और उसका सारा कुछ स्मूथ था. तो जब एप्पल आप लेते हो, वहां से किसी और प्लेटफॉर्म में जाने में कठिनाई है, लेकिन उसका प्रोसेस इतना स्मूथ उसने बनाया. सो एंड दे कीप ऑन चेंजिंग, दे कीप ऑन इंप्रूविंग देमसेल्व्स. और ये वही कंपनी है एप्पल जो एक बारी में बैंकक्रप्ट होने की कगार पे थी. इज दैट राइट? सो ये वो बिजनेस हाउसेज हैं जो बहुत बड़े थे, जिनके रहते चलते कोई समस्या नहीं थी. देवर इन, अगर वो कंफर्ट जोन में होते, क्या आज एप्पल कंफर्ट जोन में हो सकता है? क्या आज माइक्रोसॉफ्ट कंफर्ट जोन में हो सकता है? तो फिर हम कंफर्ट जोन में कैसे हो सकते हैं? क्या हमें आज से 10 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद क्या होगा वो आज देख के हमें उस तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए? अगर मैं इस रूम में पूछूं आप में से कितने लोग हैं, आज हम बात करने लगे हैं म्यूचुअल फंड्स की, राइट? जो हम 10 साल पहले या 15 साल पहले बात करते थे, आज मैं देखता हूं कि वो म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं. आप में से कितने लोग आज AIF की बात करते हैं? आप में से यहां बैठे कितने लोग आज अनलिस्टेड इक्विटी की बात कर रहे हैं, प्री IPO इक्विटी की बात कर रहे हैं? आप में से कितने लोग आज स्टार्टअप इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं? यू नो इंडिया इज गोइंग टू बी स्टार्टअप कंट्री. गुड़गांव, बेंगलोर, दे आर द स्टार्टअप सिटीज. आप में से कोई बैठा है इस रूम में, कोई काम कर रहा है उस एरिया में? 2 लोग 3 लोग. एंड आर द इन्वेस्टर्स आस्किंग? कितने लोगों से इन्वेस्टर पूछ रहा है कि मुझे स्टार्टअप में पैसा लगाना है? पूछ रहे? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बैंकर आएगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, और फिर आप बोलेंगे कि ये क्या हुआ. आपका क्लाइंट, जब तक आपने म्यूचुअल फंड नहीं किया, क्या उसने म्यूचुअल फंड खरीदा? खरीदा है ना, आपसे नहीं खरीदा, किसी और से खरीदा, बट खरीदा. क्या उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? मोस्ट ऑफ, राइट? वही स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में, AIF में, PMS में ग्रेजुअली होता जा रहा है. और हमारा चैलेंज कहाँ है उसकी भी हम बात करेंगे. निविडिया कब आई ये कंपनी मालूम है? When did they start? निविडिया स्टार्टेड जब आपका जुरैसिक पार्क आया था, और उस टाइम ये कंप्यूटर गेम्स के अंदर आया था. कितना साल हुआ? 12-13 साल. 2024 इस साल में निविडिया ने माइक्रोसॉफ्ट, जी, एप्पल सबको पीछे छोड़ दिया. एंड दिस हैज बिकम द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड. सो लीडरशिप पोजीशंस आज की डेट में वो डिकेड्स वाली खत्म हो गई. इट्स वेरी फास्ट. आप में से कितने लोग आपके प्रोफेशन में, एक बैंक से बंदा निकल के आता है और अगले 2-3 साल में जो एग्रेशन के साथ काम करता है, जितना AUM, जितना बिजनेस हमने शायद पिछले 10-25 साल में खड़ा किया, वो कहीं तेजी से उतना पहुंच जाता है? आज जो नया बिजनेस ओनर आ रहा है, आज कोई मुझसे बात कर रहे थे हम दिन में,
आई एम जस्ट फॉरगेटिंग किससे बात हो रही थी, एंड देवर टेलिंग, आई थिंक हम जब टेबल पे बैठे थे, राइट, देवर टेलिंग के उनके दो बेटे अमेरिका में हैं जो वापस इंडिया आकर के उनका प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हैं. नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग, हमारे टाइम में क्या होता था, कुछ नहीं बना तो. अभी क्या हो रहा है, अभी आपकी नेक्स्ट जनरेशन या जो न्यू जनरेशन है, चाहे उसने आईटी में पढ़ाई की है, चाहे उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, चाहे उसने सीएफए करी है, दे आर लुकिंग एट दिस प्रोफेशन बिकॉज दिस प्रोफेशन इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेग. नाउ ग्लोबली अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ग्लोबली हमारी इंडस्ट्री अभी भी मिनिस्क्यूल इंडस्ट्री है फ्रॉम द ग्लोबल पैरामीटर्स. The kind of asset management business which is there in other countries is far, far bigger, which is bigger than the banking industry. That is the kind of scope. So friends, future trend हमें पकड़ना पड़ेगा. अब हम अपनी industry में आते हैं. कितने लोग इस picture को पहचानते हैं? पहचानता कोई? ना. ये हमारा BSE था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. देख रहे हैं आप, बोलियां लगती थी फ्लोर पे, शेयर ट्रेड होता था. होता था क्या? प्रॉब्लम थी उसमें. आप फोन करो तो आपको भाव किस भाव पे सौदा हुआ, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. इज दैट राइट? डिलीवरी 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में होती थी. पेपर डिलीवरी होती थी, सिग्नेचर मिसमैच होता था, और कई बारी तो शेयर टैली नहीं होते थे, और दिन का भाव कुछ और, शाम का भाव कुछ और बीच में ब्रोकर की पत्ती लगती थी. इज दैट राइट? जो लोग उस टाइम में काम करते थे उनको मालूम होगा. यही चलता था. क्या हुआ, 1992 में NSE आ गया, सब कंप्यूटराइज्ड हो गया. हर सेकंड का नया भाव सबको पता है, आपको भी वो भाव पता है, मुझे भी पता है, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है. तो ट्रांसपेरेंसी आ गई. लोग कहते थे धंधा खत्म हो जाएगा, धंधा क्या हुआ, बढ़ गया. बैड डिलीवरीज होना कम हो गई क्योंकि फिजिकल शेयर्स थे अभी भी, बट ट्रांजेक्शन सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चली गई. उसके बाद डीमैट आ गया. डीमैट आने के बाद में बैड डिलीवरीज भी खत्म हो गई. आज वो गत्तों की जरूरत नहीं होती. अभी आप देखो जो पुराने गत्ते पड़े हैं वो गत्ते पड़े हैं. लेकिन कितनी तेज फास्ट हो रहा है. अब क्या हुआ, कितने लोग हैं जिनको मालूम है ये कौन सी कंपनी है? एक ही, सिर्फ एक को मालूम है पूरे रूम में? 4-5 लोग. अरे बाबा रे, हम फाइनेंस इंडस्ट्री में हैं एंड दे हैव literally created ripples in the industry. आपके handheld में आपकी market है, right? You can trade stocks anytime. Real-time transactions, no broker involvement. भाव आपके सामने है. कब आई ये company? When did Zerodha came? 2010? 2010 में वो कंपनी फॉर्म हो गई थी. ज्यादा एक्टिवाइजेशन हुआ जब कोविड आया, राइट? अच्छे अच्छे ब्रोकर्स, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स थे, बीट BSE और NSE, दे हैड स्टार्टेड फीलिंग द हीट. और ये लीडर बना और इसको सरपास कर दिया द लेटेस्ट ऐप विच इज कॉल्ड एज ग्रो. लुक एट द टाइम. और अब जो समय है बहुत फास्ट चेंज हो रहा है. पहला डिकेड्स में होता था, अब 5-6 साल में हो जा रहा है. सो दैट इज व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज. सो एनी बिजनेस वी आर इन, वी हैव टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी. तो डिसरप्शन, चाहे वो फेसबुक है, उसने इंस्टाग्राम खरीद लिया, व्हाट्सएप खरीद लिया, एंड एवरी वन इज मूविंग वेरी फास्ट. एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कोट फ्रॉम ओल्ड टाइम. The change is the only constant in life. We have to adopt change. And change is gradual.
And it tells me a story, you know, a frog in a boiling water. सुनिए आप सब लोगों ने, राइट? सो अगर एक, जस्ट टू रिकैप, अगर आप एक फ्रॉग ले और उसको एक पानी में डाल दें, ही विल बी कंफर्टेबल, और नीचे से आग लगा दीजिए, धीरे 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 पानी गर्म होगा, उसको पता भी नहीं लगेगा, और पानी इतना गर्म हो जाएगा कि वो उसी गर्म पानी में उबल के मर जाएगा. So we need to understand, we don't want to be frog. We have to jump out of that comfort zone. So kya global trends hain? If we look at the industry, robo advisory and hybrid models, now they are very, very rampant in the US markets. AI powered underwriting has started in Singapore. आप लोगों के पास फोन है, अगर आज की डेट में आप देखें, एक कुछ ऐप्स आ गई हैं, सिम्टम्स चेकर, किसी ने यूज करी है आज तक? आपने की है. सिम्टम चेकर इज अ ऐप जिसमें अगर आप अपने सिम्टम्स डालोगे तो वो प्रोबेबल डायग्नोसिस देता है ऑफ द एलिमेंट. केस स्टडीज डल गई हैं. सो एडवोकेट्स प्रोफेशन इज अगेन इज इम्पैक्टेड बाई AI. एंड वट इज AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लेकिन द सोलेस इज दैट इफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंबाइंड विद द एक्वायर्ड इंटेलिजेंस ऑफ अवर्स, वी कैन किल इट. नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बीट एक्वायर्ड इंटेलिजेंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज द ब्रेन वी हैव इज फार फार सुपीरियर. Fee based advisory model. How many of you are aware, in Australia there are no more commissions allowed. It is only fee based. India mein hai kya ye? Kuch log gardan aise aise hila rahe hain. So kya hame lag raha hai ki hum us taraf ja rahe hain? क्या हमें रेगुलेटर की मंशा नजर आ रही है पिछले कुछ सालों से, क्या करना चाह रहा है वो? सो ऑलरेडी सेबी ने RIA इंट्रोड्यूस कर दिया है. अभी खुशकिस्मती है कि बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ है, बट अभी रिसेंटली सेबी ने उसको फिर डायल्यूट कर दिया है, एंड नाउ देयर विल लॉट ऑफ टेकर्स. सो गोइंग फॉरवर्ड प्रोबेबली द कमीशन इनकम विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, राइट? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं होगा, है ना, हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है, बोलते हैं. हाँ, पोस्ट ऑफिस PPF कितना टाइम लगा था जाने में कमीशन? हाँ, ऐसे गया ना, सर्कुलर आया, खट गया. जो सिर्फ उसी के ऊपर आश्रित थे, क्या हुआ? सो आई एम नॉट हेयर फॉर द डराओ. I am here to tell you what can happen and be prepared for it. Start preparing for it so that you equip yourself with the necessary skills, qualifications, whatever is required for that. Digital platform. हम में से कितने लोग पहले app use करते थे? आज हमने app दी हुई है अपने customers को? दी हुई है? Customer happy है? Right? Any complaints on that? So you have to adopt AI. You have to adopt technology. Be it softwares, be it apps, and it is not a threat. As I said, artificial intelligence with acquired intelligence will create wonders. So the first thing which we need to do is start adopting technology as much as you can. गूगल के बाद एक नया टूल आया बाजार में, कॉलेज चैट GPT. हाउ मेनी ऑफ हैव स्टार्टेड यूजिंग इट? यू स्टार्टेड यूजिंग इट? आप में से कितने लोगों को लगता है कि प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा?
ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, मुझे कितना टाइम लगा होगा ये प्रेजेंटेशन बनाने में? हाँ जी, आधा घंटा, ओके, और इससे कम? दो मिनट? मैगी थोड़ी ही है। सो पहले जब मैं प्रेजेंटेशंस बनाता था तो मुझे एक दिन लगता था, क्योंकि यू हैव टू पुट योर माइंड, राइट, यू हैव टू कंसीव इट टू एग्जीक्यूट इट। दिस टाइम आई यूज्ड चैट जीपीटी, इट एक्चुअली टुक 26 मिनट्स टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन, 26 मिनट्स विद द चैट जीपीटी, एंड यू कैन यूज इट। If you are not using it, you are losing it. अभी लोगों ने Google बंद कर दिया है यूज करना, अभी लोग चैट GPT पर चले गए। Even your phone has chat GPT now. If you look at WhatsApp, it has chat GPT. If you look any app, they are using chat GPT. API चलना शुरू हो गया। So start using it and start using technology as much as you can. The second important thing which you and I have, which no one can take away, is our relationship with the client. That human touch is very, very important in our profession. If you include that human touch with the adaptation of the technology, with the adaptation of the new skills, client is not going to go away. Aaj kitna bhi grow aa jaye, kitna bhi Zerodha aa jaye, lekin jab bazaar girta hai to usko ek kandha chahiye hota hai. Is that right? उसको फोन उठा करके बात करनी होती है, भाई क्या हुआ, हाउ यू लुक एट द मार्केट इवन टुडे। सो द क्लाइंट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल व्हेन ही फील्स एम्पावर्ड, जब उसको लगता है सब कुछ मेरी इंफॉर्मेशन मेरे पाम में है विद अ फोन, बट एट द सेम टाइम मेरे पास कन्वीनियंस है टू स्पीक टू समवन हु अंडरस्टैंड्स, हु इज गोइंग टू लिसन टू मी, हु इज गिविंग मी अ कंफर्ट, हु इज से मैं हूं ना, वो मैं हूं ना उसको चाहिए। तो अगर आपके पास ये मैं हूं ना के साथ साथ जो स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहा है या जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं वो है, तो योर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू गो अवे। ट्रांसपेरेंसी, जैसा मैंने कहा, वो ब्रोकर्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे और ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की, अल्टीमेटली उन्होंने आगे अपनी ब्रोकरशिप नहीं चला पाए। कितने ही ब्रोकर्स को अपना बिजनेस चेंज करना पड़ा, बट दोज हु अडॉप्टेड द ट्रांसपेरेंसी एंड द टेक्नोलॉजी, दे आर स्टिल थ्राइविंग, बट दे आर वेरी फ्यू। सो वी ट्राई टू डू अ शॉर्ट एनालिसिस, हम में से कितने लोगों ने हमारी शॉर्ट एनालिसिस करी? सो जब मैंने शॉर्ट एनालिसिस करी, सो हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है द रिलेशनशिप विच वी कैरी विद द क्लाइंट, द मार्केट नॉलेज डेली इज अवर नॉलेज, इज अवर स्ट्रेंथ, एंड इन्वेस्टर्स वैल्यू दैट, एंड योर एक्सपर्टीज इन योर डोमेन आर अवर स्ट्रेंथ, नो वन कैन टेक दैट अवे। लेकिन वीकनेस हमारी जो हो सकती है, जो हमें दूर करनी है, एज आई सेड, इज अवर टेक्नोलॉजिकल अपडेशन, या फिर जो हमारी आज भी कमीशन के ऊपर रिलायंस है। एज्यूम योर बिजनेस, अगर कल कमीशन बंद हो गई तो आप कहां खड़े होते हैं? जस्ट पुट योर सेल्फ हाइपोथेटिकली इन दैट सिचुएशन फॉर अ डे एंड देन रियलाइज वेयर डू वी स्टैंड, विल यू स्टिल बी एबल टू कंटिन्यू टू रन योर बिजनेस? इफ द आंसर इज नो, it's a time to really pull that plug in. If the answer is yes, you are in a very good position. Opportunities kya hai? Tier 2, tier 3 mein business is exploding. The youngsters are aspirational there. But dekhni padegi ki sahab, agar aapko paisa chahiye to kyun chahiye? Aapka risk assessment kya hai? Aapko kab paisa chahiye? आपको रिस्क प्रोफाइल करना पड़ेगा, उसके गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, और आपको उसके गोल्स को फॉलो करना पड़ेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड्स का काम कर रहे हैं और आप सिर्फ रिटर्न के ऊपर काम कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन बात नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे ही बाजार गिरेगा वो फिर दूसरी तरफ जाएगा।
लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि आपकी बेटी को USA जाना है, उसकी पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए और वो हमारे पास 12 साल में हमें एक्युमुलेट करना है, तो आओ हम आपके साथ हैं, हम 1 करोड़ रुपया एक्युमुलेट करेंगे अगले 12 साल में। तो आपने उस क्लाइंट को मूव कर दिया रिटर्न बेस्ड इन्वेस्टिंग से गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में। अब वो ये देखेगा कि शॉर्टफॉल कितना है, मेरे पास पैसा आया है, मुझे कहाँ निवेश करना है ताकि मेरा गोल पूरा हो। सो दैट इज द फोकस विच वी हैव टू चेंज। थ्रेट्स, एज यू सेड, रोबो एडवाइजर इज अ थ्रेट। कंप्लायंस बहुत तेजी से बदल रहे हैं, वी हैव टू कैच अप। प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो यस, व्हाट नेक्स्ट? टेक्नोलॉजी विल डेफिनेटली एनहांस, इट विल नॉट रिप्लेस यू अनलेस यू आर कंप्लेसेंट, इट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू। सो बी अहेड ऑफ द कर्व, कीप योर ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट एंड कीप योर ट्रस्ट विद द क्लाइंट। एक बार ही ट्रस्ट टूटा तो दिक्कत है, ये दोनों हमारी स्ट्रेंथ है। डाइवर्सिफाई एज ए सेट इन मोर प्रोडक्ट्स एंड बी फ्यूचर रेडी। सो बजर बोल रहा है, आई वुड ऑल्सो लाइक टू कंक्लूड, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दिस रूम, बिलीव यू मी, द फ्यूचर बिलोंग्स टू यू बिकॉज यू हैव दैट कनेक्ट विद द क्लाइंट, यू कैन ब्रिंग दैट यूरेका मूमेंट इन द लाइफ ऑफ द क्लाइंट, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प हिम टू कंप्लीट हिज गोल्स। और अल्टीमेटली जिस पे बॉयल डाउन होती है वो होती है मैं हूं ना, राइट? सो आपको क्लाइंट के साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब हाइजीन है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, चाहे स्किल अपग्रेडेशन है, वो हाइजीन है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। ये आपका पॉजिटिव तभी काम करेगा जब बाकी चीज़ों में भी आपके 10 में से 10 नंबर हैं। क्या विद दिस, थैंक यू सो मच, आई होप आई कुड ऐड सम वैल्यू। थैंक यू सो मच। सुपर सुपर।